करना है तोड़ लिया। आजा। इससे मछली पकड़ते हो आप। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू शादी व्लॉग्स। से आज आप आए हैं यमुनानगर, हम आए थे फंक्शन पे, आए थे पार्ट का भोग था क्योंकि मेरी बहन की शादी है। वैसे ये अजीब चीज है, जिसकी शादी है वो ही नहीं आई पार्ट पे, अगली डॉक्टर है तो इस करके आई नहीं। हमने भी चलो माफ कर दिया, ऑपरेशन कर रही है। हाँ, ऑपरेशन कर रही है तो पार्ट वोट तो खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे नेट तो चल नहीं रहा है अयोध्या की वजह से, तो हम सारे बैठे हुए हैं। तो आज हमने घर वालों से बात करी, घर वाले भी अच्छे हैं हमारे। तो अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? घर वाले भी अच्छे हैं, अपने हैं। पता लगा कि आज अपने घर वाले भी अपने घर वाले के चक्कर में पता नहीं लगता था कौन किसका है। गन्ने के खेत में। हाँ, कहाँ जा रहे हैं मामा? गन्ने के खेत में। चने के खेत। आज हम जा रहे हैं गन्नों के खेत पे या खेतों में जा रहे हैं हम देखने, क्योंकि नेट चल नहीं रहा, हम सारे बोर हो रहे हैं। तो यहाँ पे पानी भी नहीं आ रहा, इसलिए आज खेतों में जा रहे हैं लोटा लेके। हाँ, ये पापा बता रहे कि वो गेहूं का वो स्वाद नहीं रहा। गेहूं का वो स्वाद, वो आजकल बंदे पता क्या कहते हैं, गेहूं का वो स्वाद नहीं रहा। दूसरे से पूछा क्यों नहीं रहा, कहता मोदी जी ने ना घर घर में शौचालय बनवा दिए, आजकल खेतों में कोई जाता ही नहीं है, गेहूं का इसलिए स्वाद नहीं आ रहा। हाँ, जिसको समझ आ गया वो कमेंट कर देना क्यों स्वाद नहीं रहा। तो अब हम चलते हैं, सबको लेके चीके भाभी भूभी तैयार हो रही हैं, तो आप चलते हैं, तो भी लेके चलते। टोली आ गई है मामा, मामा ने 3 सवारी की पर्ची कटवा ली है अपनी। रुपया घट है, 1 रुपया कम है। कहाँ जा रहे हम? गन्नों के खेतों में। क्या करने जा रहा है तू? लोटे लेके जा रहा है? खाली लोटा मिलता, गन्ने मिलते हैं। अच्छा, तो आ जाओ। पहली बार कोई इतना सोना सुनक्खा बन के खेतों में जा रहा है। आप क्यों हंस रहे हो? आप भी इतने तैयार होके जा रहे हो? पहली बार क्यों बोला? का महल, कौन सी रानी का महल है ये? अपनी लगा लो। ओहो, अपनी रानी का महल है ये, पर यहाँ पे अंदर जाना अलाउड नहीं है। अपनी है ना। टोबिन बताएगा कि ये क्या चीज है, मतलब ये जो ये गेट बना हुआ है, ये गेट है, इसका नाम है बीरबल द्वार बुढ़िया। बेसिकली बीरबल गेट है ये। अच्छा। जो अकबर का मंत्री था ना, तो आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर था उसका, और उसका वो यहाँ उसका बर्थ प्लेस है बुढ़िया। अच्छा, ठीक है, बीरबल का। हाँ, तो उसको ये उसके लिए ये द्वार बना हुआ है। उसको इसमें लिखा भी, अगर आप पिक्चर लोगे ना उसपे, अभी वो वहाँ पे बिल्कुल जो व्हाइट सा वो बना हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है, पर अभी क्लियर दिख नहीं रहा, पर वहाँ लिखा हुआ है। तो आप आगे चलते हैं, ये मामी आ गई गाड़ी लेके यमुनानगर के। ये बताएंगे हमें, ये ना गुरुद्वारा साहब है। अच्छा, गुरु तेग बहादुर जी एक रात का उन्होंने स्टे किया था। ओके, ये ओनली हिस्टोरिकल गुरुद्वारा यमुनानगर में। ओके, उसके बाद जो नियरेस्ट है यहाँ पे पौंटा साहब, आई थिंक पौंटा साहब सबको पता है, वो बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल है। गुरु तेग बहादुर सॉरी गुरु गोविंद सिंह जी माई मिस्टेक गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ पे रहे भी है काफी टाइम, और उन्होंने उनके बच्चे भी वहाँ पे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बट गुरु तेग बहादुर जी वन नाइट स्टे किया था उन्होंने। ये गुरुद्वारा SGPC के अंडर नहीं आता। Okay. जो यहाँ की रानी है उसके अंडर आता है गुरुद्वारा। ये महल यहाँ की बैक साइड है। और ये महल की बैक साइड है। Okay. ये महल के ना 4 पिलर्स हैं। उस टाइम जो लड़ाई होती थी ना, हाँ। तो ये 4 बेसिकली यहाँ से वो आपको फाइट बैक करते थे। ओके, तो ये रानी अब यहाँ रहती है या? ये 3 रानी है। अच्छा, ठीक है, एक लंदन रहती है। अच्छा, एक दिल्ली रहती है, एक यहाँ पे रहती है। अच्छा, तो जो बीच वाली मिडल और जो सबसे छोटी है वो यहाँ पे फिर भी आती रहती है। ओके ओके, लंदन वाली नहीं आती? लंदन वाली नहीं आती। ओके, लंदन वाले का लड़का आता है कभी। अच्छा, कभी कभार आता, बट मैं उनसे कभी मिला नहीं। रिश्ता ले आते हैं, वो दिक्कत नहीं है, तो भी अनमेरिड ही है। टूरिस्ट गाइड के साथ प्रॉपर्टी डीलर भी बन चुके हैं, अपने प्लॉट दिखा रहे हैं, ये रहा मेरा प्लॉट। जहाँ तक नजर जाती है सारे हमारे है ना। हाँ, बस हमें गन्ना ही नहीं दिख रहा, कहाँ तक लगा हुआ है। हम गन्ने वाली साइड जा रहे हैं। ओ, बियर बार खुल चुका है यहाँ पे खेतों में, बियर बार खुल चुका है। अरे पानी बोतल, मैंने लगा तूने बियर बार खोल लिया। मामा लग चुके हैं, मामा को गन्ने निकाल चुके हैं मामा। ओ, मामा ने गन्ना तोड़ लिया। बंदा अपने खेत छोड़ के दूसरों के खेतों में से गन्ने चुरा रहा है, डाका मार रहा है डाका। ओ, अंदर घुस गई मामी तो पूरी, मतलब मामी नहीं 5-6 गन्ने लेके आने अंदर से, मैं लगता है
पापा भी गन्ना ले आए, क्या बात है। खेतों में घुसी ना, मैं लग रहा है पहले एक्सपीरियंस बहुत है आपको। मामा कितनी बार गए हैं खेतों में मिलने? मामा ने भी फटाफट गन्ने तोड़े, हमें लगता है मामी खेतों में आपके गन्ने गए। अच्छा, गन्ने गन्ने में मामी को सेट करके ले गए हैं। तो ना नुआ नु गन्ने फड़ा देते हैं, शुरू हो जाओ दोनों। मतलब मामी अगली फसल में कार कर दी आपने? नहीं, दो बार होती है गन्ने की फसल, एक उसी में से। बताओ कौन पैसे नहीं दे रहा, कौन पैसे नहीं दे रहा आपको? मामा कौन सा वो तेल वाला पैसे देने से मना कर रहा है बताओ? मामा ने ऐसा गन्ना उठाया जैसे रानियों के पीछे वो छाता लेके घूमते ना। अग्रेशन दिखाओ, अग्रेशन पोज नहीं देना, अग्रेशन दिखाओ। मैं पीछे गाना डालूंगा, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? ओहो, दंगल होने वाला है। अब ऐसे सोचो तो अब हम आ गए हैं। ये कौन सी भाई वो नहर है? यमुना नहर पे आ गए जो दिल्ली तक जाती है। ये जो पुल है जिसपे हम जा रहे हैं, ये 200 साल पुराना, अंग्रेजों के टाइम का है। यहाँ पे सब कुछ होता है, आस्की भी चलती है यहाँ पे, फिशिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। भाई फिशिंग कर रहे, फिशिंग कर रहे हो ब्रो? मछली पकड़ते हो आप? हैं, दिखाना एक बार। अच्छा, ये नया स्टाइल है, ये देखो देसी स्टाइल। ये इस पे बांध के और नीचे इन्होंने तार भेजी हुई है, क्या बात है भैया। कोई मछली आ जाती है इससे? कितनी पकड़ी अभी? मतलब वो सारे वहाँ फिशिंग कर रहे हैं, वो सारे वहाँ तक बैठे हुए हैं, सारे फिशिंग कर रहे हैं। ऐसे मछली पकड़ते हो क्या? इस पे आपने आटा लगा दिया है? अच्छा, अभी इस पे आटा नहीं लगाया, ये पत्थर है, इस पे आप आटा लगा दोगे और फेंक दोगे। अच्छा, कांटे पे आटा लगा दोगे। अच्छा, तो ये किस चीज के लिए जो पत्थर लगाया हुआ है? अच्छा, बढ़िया है। तो दिन में आप एक बार में कितनी मछलियां पकड़ लेते हो? पहली बार आए हो? अच्छा, फ्रेशर हो आप मतलब। भैया अभी फिशिंग कर रहे हैं, वो जाल से पकड़ेंगे, वो भी जाल से पकड़ेंगे, वो जो दूसरे वहाँ पे बैठे हैं वो इनके जैसे पकड़ेंगे, जैसे ये पकड़ रहे हैं बोतल से बांध के। वो पुराने हैं, पुराने हैं। जी तो रोबिन जी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बूढ़े दो पार्ट्स में हैं, एक तरफ पंजाबी और, थोड़ी जोर से बोल, जोर से। एक तरफ पंजाबी और अपना बनिए लोग रहते हैं। अच्छा, और एक हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं। अच्छा, तो हम जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है बूढ़े का, वहाँ पे वो देखने जा रहे हैं। वो कैसा बना हुआ है? मतलब वो थोड़ा सा एंटीक टाइप का बना हुआ है, अलादीन के टाइप का, ओल्ड बिल्डिंग्स टाइप का। तो वो देखने जा रहे हैं कि ओल्ड बिल्डिंग्स और मॉस्क वगैरह है वहाँ पे। ओके, तो वो देखने जा रहे हैं। रास्ते पुराना, मतलब गांव जैसा आ गया, जहाँ आपको गायें भैंसे ऐसा व्हीकल आपको नजर आएंगी। ओए होए, ये बढ़िया बना हुआ है, झोपड़ी बनी हुई थी। हाँ, स्कूल है मेरे ख्याल। नहर घूमा, थोड़ी बहुत जगह जो मेन मेन थी, खेत घूमे अपने गन्ने के खेत देखे, थोड़ी बहुत जगह आप घूम ली। हूं आप जा रहे हैं कार वापसी दिल्ली नू जा रहे हैं, करते हैं व्लॉग नू एंड छोटा जा व्लॉग सी। तो होप करता तुम्हें सबन पसंद आएगा, जो पसंद आए तो लाइक शेयर सबसक्राइब कर देना। तो मैं उम्मीद है कैनेडा वाले ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि उन्होंने मतलब ए चीज़ा ज़्यादा देखिया नहीं होंगी। तो जो तुम्हें पसंद आए तो लाइक शेयर सबसक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं तुम्हें नैक्सट ब्लॉग से। टिल दैन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।